everyone. This is Amaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a vastu expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका मंथली टेरोस्कोप लेकर के. जी हाँ, बताएंगे आपको कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा कुछ रहने वाला है, यानी कि मार्च 2024 में क्या प्लस और क्या माइनस आपकी लाइफ में होगा. हम बात कर रहे हैं सभी राशियों की. अब बारी है हमारी राशि जो है कुंभ राशि, यानी कि है एक्वेरियस. तो कुंभ राशि वालों की लाइफ में मार्च के महीने में क्या कुछ उलट पुलट होगा वो मैं आपको बताऊँगी. कहाँ पर प्लस, कहाँ माइनस, कहाँ पर चिंताएँ बढ़ रही हैं, कहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स का समाधान भी हो जाएगा. लव लाइफ में ऐसे के ऐसे ही रहेंगे सिंगल, या फिर आप सोच सकते हैं इस बार होने के लिए मिंगल. तो एक्वा बिना देर के लिए मैं आपको बता दूं जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं वो हैं, यू आर रेडी, व्हाट वेटिंग फॉर, वुमन होल्डिंग अ हार्ट एंड सिंक्रोनिसिटी, प्लेस ऑफ कॉइंस, पैलेस ऑफ कॉइंस सॉरी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, फेथ, कॉइंस एंड स्वॉर्ड, एट ऑफ स्वॉर्ड्स. अच्छी चीज़ तो ये है कि आप खुद जो है एयर एलिमेंट हो और आपके लिए कार्ड्स जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिकली इसमें, ये मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं आप ही की एनर्जी को देख पा रही हूँ, वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज इक्वल टू फॉर मी एन एक्वेरियन फीमेल जो है यहाँ पे नज़र आ रही है. तो क्या कुछ होगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं मनी के मामले में कि पैसों को लेकर के मार्च का महीना कैसा जाएगा एक्वा के लिए. तो टू ऑफ कॉइन्स का कार्ड यहाँ पर आपके लिए आ रखा है और पैलेस ऑफ कॉइन्स का भी, यानी कि वेल्थ जो है इस महीने आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, सेविंग्स बढ़ने वाली हैं, पैसा काफ़ी अच्छा कमाओगे और उस पैसे को नॉर्मल रूटीन लाइफ पे ऐसे ही स्पेंड ना करके आप कहीं ना कहीं पैसे को जोड़ते हुए नज़र आ रहे हो मुझे. बड़े कम लोग होते हैं जो पैसे की सेविंग करने में ज़्यादा मतलब जो है इंटरेस्ट दिखाते हैं. तो एक आप मुझे यहाँ पे पैसे की एक नहीं दो जगहों से पैसे आ रहे हैं, पैसे को सेव करते हुए नज़र आ रहे हो, पैसे को प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो. कुछ केसेस में मैं बोलूँगी स्पेसिफिकली आपका घर बन रहा है और आपका जो भी पैसा मार्च के महीने में आ रहा है वो कहीं ना कहीं आप उस घर बनाने में जो है इन्वेस्ट करने वाले हो, लगाने वाले हो. पर पैसे की कमी की अगर हम बात करें तो कमी नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत आपको टाइट वाली फीलिंग आ सकती है क्योंकि पैसा आ तो बहुत रहा है लेकिन दूसरे हाथ से कहीं ना कहीं वो जा रहा है. हालांकि वो इन्वेस्टमेंट है, आगे फ्यूचर में कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगी, लेकिन करंटली तो वो आपकी पोजिशन को थोड़ा सा यहाँ पर ना सप्रेस कर देती है, टाइट कर देती है. तो यस, थोड़ी सी चीज़ें मॉनिटरी में बोल रही हूँ. क्या पैसे की कमी होने वाली है? नहीं, पैसे की कमी नहीं हो रही, पैसा तो बहुत अच्छा आ रहा है, भरपूर आ रहा है, लेकिन साथ के साथ कहीं और इन्वेस्ट हो जा रहा है. एक हाथ से आ रहा है और एक हाथ से चला जा रहा है. तो मैं बोल सकती हूँ आपको फ्लो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है जहाँ तक मनी की बात है. बात करते हैं आपकी हेल्थ की. तो यहाँ पे जो कार्ड्स आ रखे हैं वो एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेविल का कार्ड भी आया है, साथ में फेथ का कार्ड भी है. हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम फील कर सकते हो, बिल्कुल अचानक से सडन बीमारी जो है आ सकती है. मतलब सुबह बिल्कुल ठीक है, अचानक से चक्कर आ गए, बिल्कुल फेंट हो गए, पूरा दिन खराब हो गया, कोई काम नहीं, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं. आपको बहुत ज़्यादा जो है कुछ चीज़ों की एडिक्शन की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है. वहाँ एडिक्शन की वजह से भी हेल्थ जो है यहाँ पर आपकी इम्पैक्ट कर सकती है. कुछ केसेस में जेल यात्रा भी जो है इस महीने दिखाई दे रही है आपके लिए. तो जो भी काम करें, कहीं पे भी इन्वेस्ट करें, कोई भी प्रोजेक्ट में डील कर रहे हैं आप, थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा क्योंकि ये जो जेल यात्रा का कार्ड होता है ना, ये आप कुछ तो होता है कि खाली जेल गए और बाहर आ गए, कुछ लोग बहुत लंबे भी चले जाते हैं. तो कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको ये जेल यात्रा करनी पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर चांसेस बिल्कुल जो है यहाँ पर बन रहे हैं. एक नहीं दो दो कार्ड मुझे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जेल यात्रा का योग जो है खोया के लिए मार्च के महीने में दिखाई देता है. तो जो भी करें, जिस भी काम में हाथ डालें, कृपया करके सोच समझ के डालें, बिल्कुल अंधे बन करके या लापरवाह होकर के किसी भी काम के अंदर आप हाथ ना डालें. और हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है. तो मैंने बताया कि आपकी एडिक्शंस की वजह से आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, सर्जरी तक भी परफॉर्म हो सकती है. आपकी सर्जरीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं, यानी कि हेल्थ इतनी क्रूशियल स्टेज पे जा सकती है कि डॉक्टर को यहाँ पे सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ जाएगी. और काफ़ी केसेस में एक नहीं ज़्यादा सर्जरीज भी जो है यहाँ पर हो सकती है. अब बात करते हैं आपकी जॉब की या कुछ भी. तो जॉब के मामले में स्टेबिलिटी दिखाई देती है, जहाँ पर हो वहाँ लगे रहोगे, साथ में दूसरे ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, बट स्विचिंग होती हुई मुझे इस महीने में नज़र नहीं आ रही. बात करें आपकी लव लाइफ की, तो कार्ड आया हुआ है यू आर रेडी, वर्थ वेटिंग फॉर एन वुमन होल्डिंग अ हार्ट. काफ़ी टाइम से ना आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, किसी एक ही इंसान को बहुत शिद्दत से चाहते हो और आपको उसके अलावा कोई और अच्छा नहीं लगता और आप उसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार करने में लगे हुए हो. तो यहाँ पे एंजल्स का मैसेज आपके लिए है कि डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, यानी कि जो आपकी लव लाइफ है, आपको लग रहा होगा कि मैं किसी को इतनी शिद्दत से चाहती हूँ या चाहता हूँ और वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं है, ना मुझे उस हिसाब से देखता है, पसंद करता है, तो बड़ा कई बार तकलीफ़ महसूस होती है. तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक तो जो ये कनेक्शन है ये वर्थ वेटिंग फॉर है, तो आपका जो इंतज़ार है वो जाया नहीं जाएगा, ये वर्थ वाला इंतज़ार है आपका.
दूसरा डिवाइन टाइमिंग जो है प्ले में है अभी आपके लाइफ को लेकर के, सो अभी आपके लाइफ में बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा इंतजार और है, बट चीज़ें अब जल्दी ही जो है पूरी होती हुई भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कार्ड आ रखा है यू आर रेडी, कि फाइनली अब आप रेडी हो इस चीज़ के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, तो ये रिलेशनशिप अब आपकी लाइफ में आ सकता है। वुमन होल्डिंग हार्ट, यानी कि समहाउ यू योर सेल्फ इज ऑल्सो फीलिंग दैट येस आई एम रेडी विद माई हार्ट, यू नो मैं फाइनली दिल देने के लिए किसी को बहुत तैयार भी हूँ। तो यहाँ पर और आपको ऐसे नहीं है, बहुत सारे साइन भी मिल रहे हैं। योर प्रेयर्स एंड क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड बाय सिक्योरेंस इवेंट्स, नोटिस देम इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर फ्लो। ये इवेंट्स कैसे होते हैं, फॉर एन एग्जांपल कोई नंबर आपको बार बार रिपीटेटिव दिख रहा है, कोई एक ही लाइन एक ही मैसेज बार बार आपके सामने आ रहा है, कोई एक इंसान बार बार आपकी नज़रों के सामने आ रहा है जिसके थ्रू कोई काम होना होगा, तो यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टॉक टू यू। यूनिवर्स आपको साइंस सारे दे रही है कि क्या कुछ आपकी लाइफ में अभी आने वाले टाइमिंग में घटित होने वाला है। इट जस्ट यू हैव टू यू नो मेक योर अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स। वो अलाइनमेंट अगर आपका हो जाएगा तो यूनिवर्स जो आपसे बातें कर रही है, जो आपको मैसेज देना चाह रही है, वो आप समझ पाओगे। तो लव लाइफ को लेकर के आप तैयार हैं, आप फाइनली आप एक नए रिलेशनशिप में एंट्री ले सकते हैं मार्च के महीने में। स्टिल होगी या नहीं होगी, इट्स स्टिल अ डाइसी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी मुझे हल्का सा इंतजार और दिखाई देता है। तो मे बी मार्च के जो है लास्ट वीक में जा करके किसी ना किसी की एंट्री आपकी लाइफ में हो जाएगी, या फिर आप जिसका इंतजार इतने टाइम से कर रहे थे उस इंसान की तरफ से कोई ना कोई इंडिकेशन, कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप लोगों का कोई भी काम, आप किसी कोई टेंडर वगैरह लेते हैं, कोई ऐसा काम है जो गवर्नमेंट से जो है होना होता है, वो वाले सारे काम आपके मार्च के महीने में होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर फुलफिलमेंट दिखाई देती है, वहाँ पर बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं रुकेगी। मार्च के महीने में आपको कहीं ना कहीं किसी स्पिरिचुअल गुरु की विजिट करनी चाहिए, किसी स्पिरिचुअल टेम्पल की प्लेस की विजिट करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स खास करके चल रहे हैं, मुझे इसके अंदर जो है आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका जिस किसी में भी विश्वास है, अगर कुछ लोग गुरु जी को मानते हैं तो आप उनके मंदिर ज़रूर जाइए, उनको इस दर्शन करके आइए। आपका विश्वास माता रानी में है तो प्लीज़ माता रानी के टेंपल चले जाइए। हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी के पास चले जाइए। यानी कि जिस किसी में भी आपका आस्था और विश्वास है, आपको उनकी विजिट जो है, उनका मंदिर विजिट ज़रूर और ज़रूर करना चाहिए मार्च के महीने में। कुछ केसेस में बोलूँगी स्पेसिफिकली बूंदी के लड्डू, अगर आप बांट सकें तो बूंदी के लड्डू का प्रसाद जो है आप बांट दें। ऐसा करने से आपके जो ये हेल्थ की प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, या फिर जो ये जेल यात्रा के जो योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको राहत मिलेगी और आप उससे बच जाएंगे। ठीक है जी, सम अप करें आपकी रीडिंग को। तो पैसे बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन एक हाथ से आ रहे हैं, दूसरा आप साथ के साथ इन्वेस्ट कर दे रहे हो, एक नहीं दो दो जगह से पैसे आएंगे, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी में, आपके घर बनने में वो पैसा जा रहा है, तो फ्लो अच्छा रहेगा। लेकिन मैं बोलूं कि कुछ बहुत ज़्यादा अमेजिंग आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत एक्स्ट्रा पैसा जो आप एक्स्ट्रा स्पेंड कर सको, तो वैसी एनर्जी नहीं है। हेल्थ को लेकर अगर 100% प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, सर्जरी तक की नौबत भी आ सकती है, उसके लिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आप प्लीज़ अपने जिस किसी में विश्वास करते हो उस गुरु का मंदिर विजिट करो, वहाँ जाके लड्डू का भोग लगाओ, लड्डू का प्रसाद चढ़ाओ। जेल यात्रा भी यहाँ पे आपके केस में इंडिकेटेड है, उससे बचने के लिए भी रेमेडी जो है दोनों की दोनों सेम काम करेंगी। लव लाइफ को लेकर के मुझे अभी भी आप थोड़ा सा वेट करते हुए नजर आ रहे हो, बाय द एंड ऑफ द मंथ मैं बोल सकती हूँ कि मार्च के आखिरी फाइनली हफ्ते में जाकर के चांसेस हैं कि आप जिस किसी का इंतजार कर रहे हो वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाए। प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए महीना अच्छा है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। शेयर में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। अगर हम बात करें कलर की, तो रेड कलर आपके लिए लकी रहेगा। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 5 और नंबर 2 आपके लिए लकी रहेगा एक्वा। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप यू कैन रेजोनेट। अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही है, आप इससे रिलेट भी कर पा रहे हो और अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।